नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है शाही चिकन। शाही चिकन बनाना बहुत आसान है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगी। आप स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करना है, पूरी वीडियो देखनी है आपने। आपने जैसे वीडियो में दिखाया गया वैसे फॉलो करें, बिल्कुल बना पाओगे आप घर पे। बहुत आसान रेसिपी है, ज़बरदस्त। ऐसे आपने प्याज और टमाटर को काटना है बारीक बारीक चॉप करके। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा। तो ऐसे आपने हरी मिर्ची हरा धनिया को भी छोटे छोटे चॉप करने हैं। एक बॉल लेना है, बॉल में हम डालेंगे चिकन। चिकन को काट के वॉश करके बहुत अच्छी तरीके से हमने रखा हुआ है, तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। इसमें हमें ऐड करना है मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लाल चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर। इसमें हमने डालना है नमक स्वाद अनुसार 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा दही डालना है आपने 2.5 चम्मच, तो 2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून। ये दही से जो है चिकन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी आपकी। इसमें हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का डालेंगे, ताकि जो मसाले हैं हमारा जो मसाले है रिजर्व कर सके, वो चिकन को एकदम पकड़ के रखती है फ्राई करने के लिए। ऐसे मसाला लगा के आपने 5 से 7 मिनट तक ऐसे रख दें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस का, ऐसे ही रखना है आपने 10 मिनट तक। तो आपने हमने क्या करना है, इसमें एक लेमन जूस का निचोड़ देना है 10 मिनट बाद। लेमन जूस ऐसे निचोड़ दें, एक पूरी पीस, एक नींबू का रस निचोड़ के इसमें मिक्स करना है अच्छे से। इसको मिक्स करें, अच्छे से मिक्स करें, मिलाएं। तो इसको मिलाने के बाद 5 से 10 मिनट तक आपने भी ऐसे रख देना साइड में, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो सके। इसको हम एक कढ़ाई लेंगे और दूसरी साइड हम ग्रेवी बनाएंगे शाही चिकन का। ऐसे एक साइड कढ़ाई लिया है हमने, उसमें फ्राई करेंगे चिकन। एक साइड जहाँ ऑयल डाला है हमने, इसमें ग्रेवी बनाएंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे जीरा, साबुत जीरा का फ्राई करना है, थोड़ा सा जलाए ना। इसमें ऐड करेंगे प्याज, प्याज को डालना है आपने हल्का लाइट ब्राउन होने तक आप इसको पकाए अच्छे से। खड़े मसाले का प्रयोग हमने नहीं किया है इसमें, इसमें हमने नॉर्मल घर वाला स्टाइल में बना रहे, तो होटल और रेस्टोरेंट का फ्लेवर मिलेगी आपको इस चिकन में। होटल और रेस्टोरेंट का फ्लेवर के साथ आप घर पर आराम से बिना खड़े मसाले के भी बना सकते हैं। दूसरी साइड हमने चिकन को फ्राई करने के लिए हमने जो कढ़ाई है, जो कि ये गर्म हो जाएगा साथ के साथ, दोनों साइड हमारी एक तरफ ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी, एक तरफ जो है चिकन को फ्राई करेंगे। शाही चिकन में लगभग लोग फ्राई नहीं करते चिकन को, और आज आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी टेस्टी के साथ बना के दिखाऊँगा मैं। एक साइड में हमने कढ़ाई रखा हुआ है, तो उसमें हम चिकन फ्राई कर रहे हैं। ऐसे आप घर में बहुत ही झटपट रेसिपी बना सकते हो, दोनों साइड कढ़ाई रख के एक साइड में फ्राई कर सकते हो, एक साइड में ग्रेवी बना सकते हैं आप। तो ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप हमारी वीडियो को फॉलो करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। एक कटोरी में हमने 12 पीस काजू के लिए हैं, 2 टेबल स्पून हमने लिया है मगज, तो इसको भिगो के ग्राइंडर करना है आपने। इसमें ऐड करेंगे टमाटर, ऐसे टमाटर ऐड करके आपने
उसको थोड़ी देर भूनना है अच्छी तरीके से ताकि जो गल जाए। अपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा भून के इसमें ऐड करेंगे हम नमक। 1 टेबल स्पून आपने नमक का ऐड करना है। ये देखिए नमक डाल रहे हैं हम, तो ऐसे भूनना है इसको, क्योंकि नमक डालने के बाद क्या होता है कि टमाटर जो है, प्याज और टमाटर को अच्छे से गला देती है नमक। नमक डालने के बाद बहुत जल्दी टमाटर ग्रेवी बन जाती है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आपने ऐसे ऐड करना है। इसमें जो कटी हुई हरी मिर्च थी वह हमने ऐड किया है। ऐसे आपने भुनना है अच्छे से भून के। हमने चिकन जो है हमारा लगभग फ्राई हो गया है, 70% कुक हो चुका है, तो हम इसको साइड में निकालेंगे। 30% चिकन जो है आपने ग्रेवी में डालना है, जैसे 70 तक हमारी गल चुकी है। आप सोच रहे होंगे दही डालने के बाद कैसे फ्राई कर रहा है, पर ये नहीं है, जो फ्लेवर इसमें मिलेगी ना दही डालने के बाद फ्राई करने के बाद, वो फ्लेवर आपको कॉर्नफ्लोर और आटा रोटी के बैटर में डुबो के फ्राई करने में नहीं मिलती है। उसमें जो इसमें फ्लेवर मिलेगी ऐसे फ्राई करने में, वो आपको कॉर्नफ्लोर आटा रोटी के बैटर में बना के उसमें भी नहीं मिलेगी। ऐसे फ्राई करने से ऐसे भी खा सकते हैं आप फ्राई करके, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा ज़बरदस्त तरीके से। ऐसे हमने जो बची हुई चिकन थी सारे डाल दिया इसमें। गैस को जो है हमेशा हाई फ्लेम में रखा कीजिए जब फ्राई करना हो। अगर आपका चूल्हा बड़ा है तो हाई फ्लेम में रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको लो में रखिए। ग्रेवी में हमने डाला है 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। हल्दी डालेंगे हम थोड़ा सा, गरम मसाला, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ऐसे आपने ऐड करना है मसाले। इसके बाद इसको भूनें, जो ऐसे आपने भूनना है। अगर लगता है कि आपके गैस में हमने कस्तूरी मेथी डाला है थोड़ा सा, जिससे ग्रेवी जो है लगभग पक चुकी है, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर लगने वाला है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के भी आप मसाले को पका सकते हैं, और भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रेवी बनेगी आपकी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चिकन भी लगभग हमारी होने वाली है, तो इसमें ऐड करेंगे हम काजू मगज का पेस्ट जो हमने ग्राइंडर किया था, इसमें थोड़ा पानी डाल के और थोड़ा सा डालेंगे इसे। आपने भी ऐसे वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। चिकन जो है हमारी हो चुकी है, तो इसको निकाल देंगे। चिकन पूरी तरीके से हो चुके हैं, तो आप चलते हैं ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी में हमने ऐड कर दिया था काजू और मगज का पेस्ट। ऐसे हमारी ग्रेवी पक चुकी है, देखिए तेल भी छोड़ने लग गई है। आपने ऐसे ही ग्रेवी बनानी है, ऐसे ही भुनना है। जितना आप मसाले को भुनते हो उतने ही अच्छी ग्रेवी बनती है आपकी। इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध का। दूध से जो है हमारा जो खट्टा आएगा का टमाटर, तो उससे कवर कर लेगी आपको, ज़्यादा खट्टा भी नहीं मीठा भी नहीं, चटपटा बनेगा ज़बरदस्त।
तो आपने ऐसे ही बनाना है। जब ये छिटके मारने लग जाएगा तो हमें इसमें चिकन का ऐड करना है। अरे देखिए, हमने कहा क्या कर रहे हैं, आपकी जो फ्राई किया था चिकन उसको ऐड कर रहे हैं। ऐसे आपने डाल के थोड़ा सा भून के आपने क्या करना है, इसको कवर कर देना है। थोड़ा सा उबाल आ जाए तो लो फ्लेम में रखें गैस को, जब ढक्कन लगाना हो, जब आपने कवर लगाना हो तो इसको लो फ्लेम में रखना है, बिल्कुल हाई फ्लेम में ना रखें। ऐसे हम क्या करेंगे, कवर करेंगे इसको 5 मिनट के लिए कम से कम इसको कवर करें, गैस जो है लो फ्लेम में रखें। अब हम इसको खोलेंगे फिर हिलाएंगे इसको 5 मिनट बाद। ध्यान रखिए इसको जो है लो फ्लेम में रखना है, हाई में ना रखें, क्योंकि हाई में रखोगे तो इसमें काजू और मगज का पेस्ट डला हुआ है तो जल्दी लगने का संभावना ज़्यादा बढ़ता है, बढ़ जाता है। तो आपने ऐसे हिला के 5 मिनट के लिए फिर से लो फ्लेम में रखना है। 5 मिनट के लिए रख दें और बस हम क्या करेंगे, इसका कवर निकालेंगे फिर से। 5 मिनट हो चुकी है, यह देखिए हमारी चिकन जो है पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। ज़बरदस्त, देखिए चिकन ने कैसे ऑयल छोड़ दिया है, बहुत ही मज़ेदार। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। होटल और रेस्टोरेंट के हिसाब से आप घर पे बना सकते हो, होटल और रेस्टोरेंट में इतनी अच्छी रेसिपी नहीं मिलेगी आपको, फ्रेश ताज़ा ज़बरदस्त। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल में आकर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़बरदस्त रेसिपी है। चलो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। सॉरी।